अभी आपका पोएम कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग क्या करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना है तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली ब्रीफली में है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी, व्हाट कंस्टिट्यूट्स हैप्पीनेस, तुम में से कितने हैप्पी होना चाहते हैं, व्हाट कंस्टिट्यूट्स हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस कैसे मतलब कि बनती है मिलती है। तो एवरीबॉडी ऑफ अस वांट्स टू बी हैप्पी, और हम लोग में से प्रत्येक हैप्पी होना चाहता है। हैप्पीनेस इज इंटरनल मेंटल पीस एंड कंटेंटमेंट कंस्टिट्यूट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो होता है वो तो आंतरिक होती है, मेंटल पीस और जो कंटेंटमेंट है वही क्या करता है कि हैप्पीनेस को कंस्टिट्यूट करता है। व्हाट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी, मनी और कंटेंटमेंट और बोथ डिस्कस, यानी क्या चीज़ है जो हमारे लाइफ को हैप्पी मनी बनाता है, कंटेंटमेंट यानी संतुष्ट बना करता है, या फिर दोनों करता है, इसको डिस्कस करना है। मनी इज अ मटेरियल थिंग, मनी जो है ना वो एक मटेरियल थिंग है। इट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस, यह हमारे हैप्पीनेस का एक पार्ट होता है। मतलब अगर हमें हैप्पीनेस करना है तो हैप्पीनेस होना है तो ये एक पार्ट है उसका। बट हैप्पीनेस इज द मैटर ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट, लेकिन जो हैप्पीनेस होता है वह आंतरिक सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट की मैटर है। बट ऑन द होल, लेकिन कुल मिला जुला करके, इट इज कंटेंटमेंट विच गिव्स अ रियल कंटेंटमेंट, यानी कि एक ऐसा कंटेंटमेंट होता है जो कि क्या करता है, एक वास्तविक संतुष्टि देता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन से कंटेंटमेंट इज द रूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि कंटेंटमेंट ही क्या है ना कि वो हैप्पीनेस की रूट है, संतुष्टि। Have you ever visited a remote village adorned with natural beauty and a capital town full of skyscrapers? Which one would you like and why? क्या तुमने कभी एक सुदूर गांव को मतलब कि घुमा हुआ है, देखा हुआ है, जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो सजा हुआ होता है, एंड अ कैपिटल टाउन फुल ऑफ स्काईस्क्रैपर्स, और एक राजधानी शहर जो कि बिल्कुल ही ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी से बिल्डिंगों से भरा होता है। विच वन वुड यू लाइक, तुम उनमें से किसको पसंद करते हो, ठीक है, पसंद करोगे, एंड वाई, क्यों? यस, आई हैव विजिटेड बोथ अ रिमोट विलेज एडॉर्न्ड विद नेचुरल ब्यूटी एंड अ कैपिटल टाउन फुल ऑफ स्काईस्क्रैपर्स। हाँ, मैंने दोनों घुमा हुआ है, एक गांव घुमा हुआ है जो कि बिल्कुल ही नेचुरल ब्यूटी से सजा हुआ है, और एक शहर घुमा हुआ है, एक जो कैपिटल राजधानी है, ठीक है, वो घुमा हुआ है जो कि बिल्कुल ही स्काईस्क्रैपर्स, कहने का मतलब कि गगनचुंबी इमारत होते हैं, बहुत ऊँचे ऊँचे इमारत होते हैं, ठीक है, बहुमंजिला इमारत कह सकते हैं आप, उसको घुमा हुआ है। I like village more than town because a village life is full of peace. मैं क्या करता हूँ कि जो village की life है, जो town की life है, ज़्यादा उसको पसंद करता हूँ, क्योंकि village की life पूरी शांति से भरी हुई है and natural beauty, और natural beauty से भरी हुई है। While a town is full of crowds, जबकि एक शहर जो है वो भीड़ भड़ाका से भरी हुई है, artificial beauty, कृत्रिम तरीके की beauty होती है गाँव शहरों में। इन टाउन लाइफ, शहरी लाइफ में, आई फील सफोकेशन, मुझे घुटन सी महसूस होती है। वाइल विलेज लाइफ गिव्स रिजुवेनेशन, जबकि गांव की जो लाइफ है वो रिजुवेनेशन यानी कि एक नई जीवन देती है, नई जीवन देने वाली होती है। अभी कुछ क्वेश्चन पोएम से है। हु इज अ हैप्पी मैन, हैप्पी मैन कौन है? अ मैन हु हैज सम एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड एंड लिव्स ऑन it with its belongings and self-contentment is happy. यानी कि एक आदमी वही खुश है जिसके पास कुछ पैटर्नल जमीन है, अपने पैतृक संपत्ति है जिसके पास कुछ, और वो मतलब अपने belongings यानी कि जो उसके पास संपत्ति है उसके साथ वो अपने उस गांव में ही रहता है जहाँ पर उसे जमीन मिला हुआ है अपने पैतृक, और जो खुद मतलब क्या है, संतुष्ट है, सेल्फ कंटेंट है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो हैप्पी है। हु डज द प्रोनाउन ही इन दिस थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा रेफर टू, यानी कि हिज जो है, प्रोनाउन हिज जो है वो थर्ड लाइन के स्टेंजा फर्स्ट में किसके लिए रेफर किया गया है? तो हिज इन द थर्ड लाइन ऑफ फर्स्ट स्टेंजा रेफर टू मैन,
फर्स्ट एक्सरसाइज के तीसरे लाइन में जो हिज है वो मैन के लिए रेफर किया गया है, हु गिव्स हिम मिल्क, उसे मतलब दूध कौन देता है, तो मिल्क एनिमल्स गिव मिल्क, जो मिल्क देने वाले जो एनिमल्स हैं वही क्या कहते हैं उसे मिल्क देते हैं। व्हाट गिव्स हिम ब्रेड, उसे ब्रेड कौन देता है, कैसे मिलता है उसको, फील्ड्स गिव ब्रेड, यानी कि हमें क्या होता है कि खेतों से ही ब्रेड मिल रोटी मिलती है। फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लथ्स, वो अपने कपड़े कहाँ से पाता है, तो फ्लक ऑफ शिप गिव्स क्लथ, जो भेड़ों के झुंड है उसे उसे कपड़ा मिल जाता है वहाँ से। हाउ डू ट्रीज हेल्प हिम, पेड़ उसे कैसे हेल्प करते हैं, ट्रीज गिव ड्यूरिंग समर इन शेड इट्स शेड एंड फायरवुड ड्यूरिंग द विंटर, पेड़ जाड़े के दिनों में छाया देते हैं और ठंडी के दिनों में गर्मी के दिनों में छाया देते हैं और ठंडे के दिनों में फायरवुड देते हैं, लकड़ी देते हैं जिससे हम लोग जलावन का इस्तेमाल करते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम का नाम लिखना है और पोएट का नाम लिखना है, तो पोएम का नाम है नेम ऑफ द पोएम इज ओड ऑन सॉलिट्यूड और नेम ऑफ द पोएट इज एलेक्जेंडर पोप। हु इज अ ब्लेस्ड मैन, एक ब्लेस्ड मैन कौन है, अ मैन अ हैप्पी मैन इज ही हु हैज सम एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड, एक खुशी आदमी वही है जिसके पास कुछ पैटर्नल एकड़ जमीन हो। एंड हु इज कंटेंटेड विद हिज बिलोंगिंग्स विद हिज लैंड, और जो अपने जमीन के साथ और जिसके पास कुछ संपत्ति है उसी से उसमें संतुष्ट है। हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम, एक हैप्पी मैन अपने समय को कैसे व्यतीत करता है, हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज लाइफ एट ईजी विदाउट केयर एंड एंग्जाइटी विद हिज बिलोंगिंग्स एंड कंटेंटमेंट, एक हैप्पी इंसान वही है जो कि जिसका लाइफ जो है बिल्कुल आसान है, जिसके पास कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, और जो अपने मतलब की बिलोंगिंग के साथ रहता है उसके पास कुछ ज़्यादा संपत्ति नहीं होती है और उसी में संतुष्ट होता है वो। होम डज मी रेफर टू इन द लास्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा में मी किसके लिए रेफर किया गया, इन द लास्ट स्टेंजा मी रेफर्स टू द पोएट हिमसेल्फ एज अ फार्मर, और लास्ट स्टेंजा में पोएट के लिए रेफर किया गया मी, और जो खुद वो अपने आप को एक फार्मर की तरह समझता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड सॉफ्ट अवे, स्लाइड सॉफ्ट अवे से तुम्हारा क्या मतलब जाता है, द क्लॉज स्लाइड सॉफ्ट अवे मीन्स पासेज अवे स्मूथली, इसका मतलब होता है बिल्कुल ही आराम से गुजरना। व्हाट डज द पोएट विश फॉर आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद पोएट जो है वो क्या विश करता है, उसकी क्या इच्छा होती है, द पोएट विश फॉर आफ्टर डेथ नॉट इवन अ टॉम स्टोन टू बी इडेक्टेड एट हिज ग्रेव, पोएट चाहता है कि मृत्यु के बाद उसके जहाँ पे वो उसकी ग्रेव होती है, कब्र होती है, कब्र के पास कोई भी पत्थर ना लगाया जाए। हाउ डज द पोएट वॉन्ट टू बी लिव, वॉन्ट टू लिव, पोएट जो है वो कैसे रहना चाहता है, द पोएट वॉन्ट्स टू लिव अनसीन एंड अनोन, पोएट अनदेखा अनजाना रहना चाहता है। हाउ डज द पोएट वॉन्ट टू डाई, पोएट कैसे मरना चाहता है, द पोएट वॉन्ट्स टू डाई अनलमेंटेड एंड स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड, पोएट बिल्कुल ही ऐसा मरना चाहता है कि ताकि कोई जब मरे तो उस समय कोई रोए ना उसके मध्य कि मरने पे, और वो बिल्कुल दुनिया से अलग रहना चाहता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ हैप्पी मैन, हैप्पी मैन की क्या विशेषता होती है, हैप्पी मैन इज केयर फ्री, हैप्पी मैन बिल्कुल केयर फ्री होता है, क्वाइट होता है, शांत होता है, प्लेजेंट खुश होता है, विदाउट एग्जाइटी कोई एग्जाइटी नहीं होता है, फ्री टू गेट स्टडी, और बिल्कुल ही मतलब कि स्टडी करने के लिए फ्री होता है, मेडिटेशन करने के लिए फ्री होता है, एंटरटेनमेंट करने के लिए फ्री होता है, ही लिव्स एट इज विद कंटेंटमेंट, और वो मतलब कंटेंटमेंट के साथ आराम से रहता है वो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे, द पोएट थिंक्स दैट दोज हु आर कंटेंट विद दैट दे आर हैप्पी मैन, डू यू एग्री, गिव रीजन्स, यानी कि पोएट को लगता है कि वो इंसान वो सारे जो लोग हैं मतलब कि खुश होते हैं, जो संतुष्ट हैं, ठीक है, और जिनके पास वही मतलब क्या हैप्पी मैन होते हैं। डू यू एग्री, क्या तुम इसे एग्री होते हो, ठीक है, गिव रीजन्स, रीजन देना है। यस आई एग्री टू द पोएट्स आइडिया, हाँ मैं पोएट के आइडिया से एग्री हूँ, डैट कि दोज हु आर कंटेंट, यानी कि जो बिल्कुल ही क्या संतुष्ट है विद
मतलब व्हाट दे हैव, यानी जो उसके पास कुछ है उससे वो संतुष्ट है, आर हैप्पी मैन, वही क्या है, खुश आदमी है। कंटेंटमेंट इज द रूट ऑफ ऑल प्लेजर एंड डिसकंटेंटमेंट इज द कॉज ऑफ ऑल ग्रीफ, यानी कि संतुष्टि ही सभी सुख खुशियों का, सारे आनंद का जड़ है, और डिसकंटेंटमेंट यानी असंतुष्टि ही मतलब सारे दुखों का कारण है। हैप्पीनेस इज द मैटर ऑफ माइंड, हैप्पीनेस जो होता है वो दिमाग की ये बात है, यानी कि हम लोग मन से खुश रहेंगे तो खुश रहेंगे। व्हेन आई टेक फूड एंड डिजायर टू टेक मोर फूड आई फील डिसकंटेंट, यानी कि जब हम लोग मतलब कि खाना खाते हैं एंड डिजायर टू टेक मोर फूड, और भी ज़्यादा खाना खाने की मतलब कि सोचते हैं, इच्छा रखते हैं, तो ये मतलब होता है कि हम लोग डिसकंटेंट फील करते हैं उस समय। बट एज सून एज आई फील कंटेंटमेंट आई स्टॉप पे टेकिंग फूड मोर, ठीक है। और जैसे ही मतलब कि हम लोगों को क्या होता है कि कंटेंटमेंट मिल जाती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना मतलब ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं। समटाइम्स इट इज सीन, और कभी कभी ये देखा जाता है कि समबडी डू नॉट वॉन्ट टू लीव टेकिंग फूड फर्दर, कि कोई ऐसा होता इंसान होता है जो कि मतलब कि फूड को मतलब कि लेना मतलब कि बंद करता है बाद में चल करके, बिकॉज ही डज नॉट फील सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं करता है। सच पीपल समटाइम्स गो इल, और इस तरीके से क्या होता है कि कुछ जो इंसान है वो मतलब कि वो बीमार मतलब कि पड़ जाते हैं, ऑफ इल ईटिंग एंड ईटिंग, मतलब खा खा करके वो बीमार पड़ जाते हैं। मतलब ये है कि कुछ इंसान ऐसे हैं जो कि मतलब खाते रहते हैं, ठीक है, वो खाना छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, इसके कारण से वो क्या होता है कि उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने के कारण से वो ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण से उनको खुद बीमारी हो जाती है ज़्यादा खाने से। दस हैप्पीनेस इज मेंटल एंड कंटेंटमेंट, इस तरह की जो हैप्पीनेस है वो मतलब कि मेंटल है और मतलब कंटेंटमेंट है। टू इज मेंटल सो कंटेंटमेंट गिव्स रियल हैप्पीनेस, इसलिए जो संतुष्टि है वही क्या करता है कि रियल हैप्पीनेस देता है हमें। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, स्पीकर का क्या मतलब जाता है टुगेदर मिक्स से और स्वीट रिक्रिएशन से। कैन दिज थिंग्स बी मिक्सड, क्या ये चीज़ें जो है वो मिक्स की जा सकती है। हैव यू एवर ट्राई टू डू सो, क्या तुमने ऐसा कभी करने की कोशिश की है। द स्पीकर मीन्स with the expression that a happy man enjoys sound sleep, the speaker का मतलब है कि यहाँ पर जो एक मतलब कि एक्सप्रेशन जो है सॉरी जो स्पीकर का मतलब है कि एक हैप्पी मैन वो मतलब एक गहरी नींद में सोता है और उसे मज़ा आती है, स्टडी करता है तो उसे मज़ा आती है। इज टूगेदर अलॉन्ग विद अदर स्वीट रिक्रिएशन, और साथ में उसे दूसरे भी मधुर मनोरंजन के साथ वो रहता है, उसे उसमें मज़ा आता है, यानी कि मनोरंजन के साधन उसे हो जाते हैं। ए हैप्पी मैन टेक एवरी मैटर ऑफ जॉयफुली, और एक हैप्पी मैन जो है वो प्रत्येक मैटर को खुशीपूर्वक लेता है। बिकॉज ही हैज़ नो केयर्स एंड एग्जाइटी, क्योंकि उसके पास कोई चिंता फिक्र नहीं होती है। सो साउंड स्लीप, और वो बहुत गहरी नींद में सोता है, स्टडी करता है, ईज आराम करता है। All things give him pleasure as a creation, सारे चीज़ें जो है ना उसे मतलब कि एक क्रिएशन के जैसे आनंद देते हैं, यानी कि उसे मनोरंजन के लिए कोई दूसरा चीज़ ढूंढने की नहीं ज़रूरत है, उसे ये सारे चीज़ जो है ना उसे मनोरंजन देते हैं। सोना उसे अच्छा लगता है, उसे पढ़ना अच्छा लगता है, मनोरंजन का साधन पढ़ना हो जाएगा उसका, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसे मनोरंजन के साधन के रूप में इस्तेमाल करता है वो। टू मिक्स दिज थिंग्स मीन टू टेक देम प्लेफुली, यानी कि इन चीज़ों को मिक्स करना इसका मतलब कि उनको प्लेफुली लेना है। दस दिज थिंग्स कैन बी मिक्सड, इस प्रकार ये सारी चीज़ें मिक्स की जा सकती है। यस आई ऑलवेज डू सेम थिंग, हाँ मैं हमेशा ऐसी चीज़ें करता हूँ। बिकॉज आई डू नॉट टेक एनीथिंग विद अ स्पिरिट ऑफ गेन और लॉस, क्योंकि मैं प्रत्येक चीज़ को मतलब कि उसके गेन और लॉस के साथ नहीं लेता हूँ कि इसमें हानि होगी या लाभ होगा, मैं इसको ध्यान नहीं देता हूँ। ऑन द कॉन्ट्रे आई टेक एवरीथिंग एज माई टास्क, और इसके विपरीत मतलब कि मैं हर एक चीज़ को अपने टास्क के रूप में लेता हूँ। द रिजल्ट वाट एवर मे बी डू, यानी कि रिजल्ट जो है वो चाहे मतलब कुछ भी मतलब कि हो। आई डू नॉट फील बॉदरेशन, और मुझे मतलब कि बॉदरेशन फील नहीं होता है। Why does the poet want to live and die stealthily from the world? Poet
दुनिया से बिल्कुल अलग क्यों रहना चाहता है और क्यों मरना चाहता है। हाउ मैनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू सो, और तुम में से कितने ऐसा मरना चाहेंगे, एंड वाई, और क्यों। द पोएट वॉन्ट्स टू लिव एंड डाई एफ्टेटली बिकॉज ही इज कंटेंटेड इन हिज लाइफ विद वाट ही हैज विद हिम। पोएट जो है वो मतलब कि बिल्कुल दुनिया से अलग है, यानी कि चोरी छिपे रहना चाहता है, मरना चाहता है, क्योंकि वो अपने लाइफ में बिल्कुल ही संतुष्ट है जो कुछ भी उसके साथ है। ही इज नॉट डिजायरस टू गेट एनीथिंग मोर, और वो बिल्कुल ही और भी चीज़ों की इच्छा नहीं करता है कि उसके पास और हो। ही इज नॉट इवन लॉन्गिंग टू पब्लिसाइज हिज नेम, और वो बिल्कुल ही नहीं चाहता कि उसके नाम की पब्लिसाइज हो, यानी कि लोग उसको जाने, एंड फेम, प्रसिद्धि हो उसकी। रैदर ही फील्स इट बेस्ट फॉर हिज प्लेजर डैट हिज लिविंग और डाइंग मे नॉट बिकम अ कंसर्न ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑफ प्लेजर और पेन। और यहाँ तक कि वो ऐसा फील करता है कि मतलब कि सबसे अच्छा होता उसके लिए, खुशी की बात होती है कि उसकी जो जीना है और जो मरना है वो बिल्कुल ही किसी दूसरे की चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा अगर हो तो मतलब कि, या फिर उसके लाइफ से कोई दुखी ना हो, कोई मतलब खुशी ना हो, ठीक है, वो ऐसा मतलब कि चाहता है। सो ही थिंक्स जस्ट नॉट ही जस्ट फॉर ऑल बिकॉज ही इज कंटेंटेड। इस प्रकार वह मतलब सोचता है कि जस्ट ऑल फॉर बिकॉज ही इज कंटेंटेड, यानी कि कंटेंटमेंट जो होते हैं ना, बिल्कुल कि वही मतलब क्या होता है कि उसको हैप्पी मिलती है, उसको खुशी मिलती है, तो वह ऐसे ही मतलब कंटेंट हो रहना चाहता है। दस इट मीन्स नो डिजायर रिमेनिंग टू बी फुलफिल्ड, और इस प्रकार कोई भी डिजायर जो है ना, ठीक है, उसे बचा नहीं रह जाता है उसको फुलफिल करने के लिए। नो बडी ऑफ अस लाइक टू डू सो बिकॉज आई सी नन ऑफ टू बी कंटेंटेड सो, और कोई भी जो इंसान है मतलब हम लोग में से ऐसा मतलब कि नहीं करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि मैंने मतलब कि मैंने देखा हुआ है कि कोई भी जो है ना अभी मतलब कि संतुष्ट नहीं है, रियल में अभी कोई संतुष्ट नहीं है और किसी को संतुष्टि नहीं मिलती है। इज द टाइटल ऑफ द पोएम जस्टिफाइड, जो मतलब कि पोएम का टाइटल है वो क्या जस्टिफाई करता है, यानी कि न्यायोचित है वो। कैन यू सजेस्ट एनी अदर टाइटल, क्या तुम कोई और टाइटल बता सकते हो। गिव रीजन फॉर योर च्वाइस, अपने कान के लिए आंसर दो। यस द टाइटल ऑफ द पोएम इज जस्टिफाइड, हाँ पोएम की जो टाइटल है वो जस्टिफाइड है, न्यायोचित है। द पोएम डिस्क्राइब्स द मैटर ऑफ सॉलिट्यूड, पोएम में मतलब कि सॉलिट्यूड की मैटर के बारे में डिस्क्रिप्शन है, वो पोएम यही डिस्क्राइब करता है, उसका यही वर्णन करता है कि अकेलापन का। सेल्फ एप्रिसिएशन एंड सेल्फ कंटेंटमेंट इज द मैटर ऑफ एवरीबॉडी, सेल्फ एप्रिसिएशन और सेल्फ कंटेंटमेंट प्रत्येक इंसान के, प्रत्येक बॉडी की मैटर है, यानी कि सब में होनी चाहिए ये। टू रिमेन कंटेंटेड इज वंस सेल्फ इज अ गुड थिंग फॉर द प्लेजर ऑफ अ मैन, अपने आप में ही संतुष्ट रहना ये एक अच्छी चीज है एक इंसान की खुशी के लिए। दस द टाइटल इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर, इस तरीके से ये जो टाइटल है बिल्कुल ही परफेक्ट है जैसा कि मैटर है। एज द पोएम इज अ लिरिक सो ऑल्सो द टाइटल इज परफेक्ट, जैसे कि पोएम जो है वो एक लिरिक है तो टाइटल भी ये परफेक्ट है। I wish to choose a little, मैं कुछ चूज करना चाहता हूँ यहाँ पे, आप रियल हैप्पीनेस भी इसका मतलब कि हम लोग पोएम का नेम दे सकते हैं फॉर द पोएम, पोएम के लिए, बिकॉज इट डील्स विद द सम सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि इसमें भी मतलब कि वैसे कुछ सब्जेक्ट मैटर करता है जैसे कि ओड ऑन सॉलिट्यूड में है, तो रियल हैप्पीनेस भी ओड ऑन सॉलिट्यूड के मतलब की जगह पे रखा जा सकता है। स्टूडेंट्स आपका लेसन फिनिश हो गया, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है आपको मिलते रहे समय समय पे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।